गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपीएस ब्लॉग। आज मैं अपनी बियर्ड को काला करने वाला हूं। आप देख रहे हैं कैसी बियर्ड हो रखी है। ये जो है खिचड़ी बियर्ड हो गई है, तो इसको हम काला करेंगे। और आज जो हम कलर यूज़ करने वाले हैं वो ये है, बिगेन मेंस बियर्ड कलर। तो इसे हम यूज़ करने वाले हैं और इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा है। इसको मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, पहली बार। इससे पहले मैंने नहीं लगाया। VIP हेयर कलर शैम्पू लगा चुका हूँ एक बार, और एक बार मैंने यूज़ किया था गार्नियर हेयर कलर शैम्पू, जिसका रिजल्ट बहुत ही गंदा रहा था। स्किन पर ढेर सारा कलर लग गया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर आप आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके अंदर से क्या क्या निकलता है वो आपको दिखाता हूँ, फिर हम इसे जल्दी से फटाफट से इसे यूज़ करेंगे अपनी बियर्ड पर और मस्टेज दोनों पर, और इसका रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं। और अनबॉक्स करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए करते हैं इसे अनबॉक्स। तो दोस्तों, ये हमारा पैकेट। इसमें अंदर से जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या निकलता है। जल्दी से इसको खोलते हैं। ये दो ट्यूब्स हैं, बिगेन मेंस बियर्ड कलर। तो इसमें क्रीम कलरेंट है, ये 20 ग्राम का, इसका नेट वेट लिखा हुआ है। और ये है क्रीम डेवलपर। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में स्ट्रे में निकालना है और इससे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें अपनी बियर्ड पे अप्लाई करना है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एक बार ज़रूर एलर्जी टेस्ट कर लें पहले, जो कि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप ये करना अप्लाई कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो यूज़ किया है तो मुझे एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसको मैं पहली बार ही यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अप्लाई कैसे करना है वही सब लिखा हुआ है। जब ये पूरे तरीके से अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, उसका जैसे 10 मिनट वेट करना है और फिर पानी से धो लेना है। तो ये इसको मैंने निकाल लिया है, आधा ट्यूब मैंने ये निकाला है और आधा ही निकालेंगे उसको डेवलपर को, और इसको पैक करके रख देंगे, आगे कभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है इस कॉम की सहायता से। ऐसा इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसे करते हैं अपने बियर्ड पे और मस्टैच पे अप्लाई। तो ऐसे ग्लव्स पहन लिए हैं और रबर लगा लिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था, हो सकता है रबर ना लगाएं तो कलर पता नहीं आया नहीं आया। तो भैया, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ज़रूरी है। तो दोनों ग्लव्स को धारण कर लिया गया है, और आप देख लीजिए मैंने रबर भी लगा रखी है, तो अब कलर आएगा ही आएगा, मतलब इसे मेरे को उम्मीद है। इस तरीके से इसकी थिकनेस हो चुकी है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये काफ़ी थिक है, तो ये टपकने वाला नहीं है। तो अब करते हैं अपने इस पेस्ट को अप्लाई इस तरीके से। तो कलर अच्छे से लग चुका है, और ये कंडीशन है अभी। 10 मिनट वेट करेंगे, मैं 15 मिनट वेट करेंगे। 15 मिनट वेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब 15 मिनट के बाद क्या पोजीशन है वो दिखाऊंगा। फिर इसे वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद रिजल्ट कैसा आता है वो देखते हैं। तो दोस्तों, लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं कलर को, आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा है। तो अभी 2 मिनट और वेट करूँगा, उसके बाद इसको मैं वॉश करूँगा। और वॉश करते समय इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि आप ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स पहन के वॉश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके हाथ जो है ना वो कलर, उनका कलर नहीं लगेगा। तो ग्लव्स पहन के वॉश कर लेंगे, और वॉश करने से पहले उन्होंने बोला था कि इसको कपड़े से, गीले कपड़े से थोड़ा थोड़ा पहले गीला कर लें, एकदम से ना धोएं, गीला कर लें और उसके बाद इसे धो लें, ताकि इसके रिजल्ट और अच्छे आएँ और आपका जो स्किन टोन है वो सही रहे, मतलब स्किन पर ज़्यादा कलर ना लगे। जैसे मैंने यहाँ लगाया है तो शायद हो सकता है कलर आ जाए इसका, अब जो भी होगा देखेंगे। तो चलिए मैं इसको अब धो के आता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको इसका रिजल्ट। ढेंटन तो ये है इसका रिजल्ट। गाड़ी पूरी काली हो चुकी है और कलर स्किन पर भी नहीं आया है। मूंछों के बाल भी काले हो गए हैं, या थोड़े थोड़े बाल थे सफ़ेद वो भी काले हो गए हैं, और यहाँ देख सकते हैं आप स्किन पे कलर। जो इसकी सबसे अच्छी बात लगी, मैंने पहली बार यूज़ किया था, कि बाकी के जितने भी कलर मैंने लगाए हैं उनको धोते समय पूरा बाथरूम का फर्श जो है ना वो काला हो जाता था। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था, जो पेज जैसा था वैसा ही रहा, और धोने के बाद भी कोई कलर नहीं निकला, वही जो आपने देखा था पीला पीला जो पेज जैसा था ना वही निकला है। बाकी कलर ना हाथ पे आया, मैंने ग्लव्स पहन के ही पहले वॉश किए थे, फिर हाथ से भी ग्लव्स निकाल के भी वॉश किए, तो कोई कलर वलर नहीं था उसमें।
और जो ग्लव्स हैं उनको धो के ट्रे को और ये सब धो धा के रख दिया है ताकि नेक्स्ट टाइम पे फिर से मुझे यूज़ कर सकें। तो अभी तक मैंने तीन कलर यूज़ करे हैं इसमें अपनी बियर्ड को कलर करने में, VIP एयर कलर शैम्पू, गार्नियर एयर कलर शैम्पू, तो गार्नियर वाला तो बहुत ही बकवास था, और ये वाला। तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो मुझे लगा ना वो इसका था, इसका है, क्योंकि ये बियर्ड के लिए बिगन, और ये थोड़ा सा महंगा भी है, 400 रुपये का है, और एक क्यूब अगर इतनी बड़ी बियर्ड है आपकी तो 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटी है तो शायद ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर रिजल्ट के मामले में कंपेरिजन करूँ तो सबसे अच्छा रिजल्ट जो मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है, वो सबसे अच्छा रिजल्ट इस बिगन बियर्ड कलर का था। आगे और भी हम ट्राई करेंगे, वो उनके रिजल्ट बाद में देखेंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप लोगों ने देखा पहले क्या था और अभी क्या है, तो बस यही दिखाना था रिजल्ट, मेरा एक्सपीरियंस आपको दिखाना था। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।